नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विरजे मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन तक चलने वाली काशी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। यह ट्रेन महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 15017। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है गोरखपुर से मुंबई तक, जिसका नंबर है 15018। इस ट्रेन को काशी एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन मुंबई से गोरखपुर तक तकरीबन 1707 किलोमीटर अंतर 36 घंटे और 5 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 47 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन मुंबई से सप्ताह में 7 दिन गोरखपुर के लिए डिपार्ट होती है। इस ट्रेन को मुंबई से गोरखपुर तक ले जाने के लिए 2 लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती है, जिनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रयागराज तक कल्याण लोको शेड का WAP-7 लोकोमोटिव लगता है और प्रयागराज से गोरखपुर तक कानपुर लोको शेड का WAP-7 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 22 कोच लगते हैं, जिनमें सेकेंड AC के 2, थर्ड AC के 5, स्लीपर के 7, जनरल के 4, पेंट्री कार 1 और UG का 1 कोच शामिल होता है। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। इस ट्रेन में मुंबई से गोरखपुर तक स्लीपर का किराया रहता है 650 रुपया, जिनमें रिजर्वेशन चार्ज शामिल हैं। AC थर्ड टायर का किराया रहता है 1740 रुपया और AC सेकेंड टायर का किराया रहता है 2555 रुपया, जिनमें रिजर्वेशन चार्ज और GST शामिल है। इस ट्रेन में बच्चे और सीनियर सिटीजन को कंसेशन दिया जाता है। दोस्तों, वक्त के साथ कोच की संख्या, कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन 3 राज्यों को जोड़ती है, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन 64 स्टेशनों पर रुकती है और 246 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सुबह 6:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से शुरू होती है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज रहता है थाने। थाने स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 6:58 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7 बजे रवाना हो जाती है कल्याण जंक्शन के लिए। कल्याण जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:17 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 7:20 पर रवाना हो जाती है नासिक रोड स्टेशन के लिए। नासिक रोड स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 10 बजे रवाना हो जाती है लासलगांव स्टेशन के लिए। लासलगांव स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:38 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:40 पर रवाना हो जाती है मनमाड़ जंक्शन के लिए। मनमाड़ जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 11:13 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:15 पर रवाना हो जाती है चालीसगांव जंक्शन के लिए। चालीसगांव जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 11:53 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:55 पर रवाना हो जाती है पाचोरा जंक्शन के लिए। पाचोरा जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 12:33 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 12:35 पर रवाना हो जाती है जलगांव जंक्शन के लिए। जलगांव जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:10 पर रवाना हो जाती है भुसावल जंक्शन के लिए। भुसावल जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 2 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 2:05 पर रवाना हो जाती है रावेर स्टेशन के लिए। रावेर स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:33 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:35 पर रवाना हो जाती है बुरहानपुर स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रावेर स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है
इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है मध्य प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। मध्य प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टेशन रहता है बुरहानपुर स्टेशन। बुरहानपुर स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:48 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:50 पर रवाना हो जाती है खांडवा जंक्शन के लिए। खांडवा जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 4:37 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 4:40 पर रवाना हो जाती है तलवड़िया जंक्शन के लिए। तलवड़िया जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 4:59 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:01 पर रवाना हो जाती है छनेरा स्टेशन के लिए। छनेरा स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 5:28 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:30 पर रवाना हो जाती है खिरकिया स्टेशन के लिए। खिरकिया स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 5:53 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:55 पर रवाना हो जाती है हरदा स्टेशन के लिए। हरदा स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 6:23 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 6:25 पर रवाना हो जाती है टिमरानी स्टेशन के लिए। टिमरानी स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 6:44 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 6:45 पर रवाना हो जाती है बानापुरा स्टेशन के लिए। बानापुरा स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 7:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:10 पर रवाना हो जाती है इटारसी जंक्शन के लिए। इटारसी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 8:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 8:50 पर रवाना हो जाती है सुहागपुर स्टेशन के लिए। सुहागपुर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 9:33 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:35 पर रवाना हो जाती है पिपारिया स्टेशन के लिए। पिपारिया स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 9:48 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:50 पर रवाना हो जाती है गाडरवाड़ा स्टेशन के लिए। गाडरवाड़ा स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:23 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:25 पर रवाना हो जाती है करेली स्टेशन के लिए। करेली स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:43 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:45 पर रवाना हो जाती है नरसिंहपुर स्टेशन के लिए। नरसिंहपुर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:58 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद रात को 11:00 रवाना हो जाती है श्रीधाम स्टेशन के लिए। श्रीधाम स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 11:23 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:25 पर रवाना हो जाती है मदन महल स्टेशन के लिए। मदन महल स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 12:18 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 12:20 पर रवाना हो जाती है जबलपुर स्टेशन के लिए। जबलपुर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 12:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 या फिर 5 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 12:45 पर रवाना हो जाती है सिहोरा रोड स्टेशन के लिए। सिहोरा रोड स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 1:18 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:20 पर रवाना हो जाती है कटनी जंक्शन के लिए। कटनी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 2:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 2:25 पर रवाना हो जाती है मेहर स्टेशन के लिए। मेहर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 3:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:10 पर रवाना हो जाती है सतना जंक्शन के लिए। सतना जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 3:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 3:50 पर रवाना हो जाती है मानिकपुर जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सतना जंक्शन जो है मध्य प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है मानिकपुर जंक्शन। मानिकपुर जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 5:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 5:30 पर रवाना हो जाती है शंकरगढ़ स्टेशन के लिए। शंकरगढ़ स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 6:09 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 6:10 पर रवाना हो जाती है नैनी जंक्शन के लिए। नैनी जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 7:16 पर रवाना हो जाती है प्रयागराज जंक्शन के लिए। प्रयागराज जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचती है। 20 मिनट के होल्ड के बाद 8:15 पर रवाना हो जाती है प्रयाग जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रयागराज जंक्शन पर अपनी इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है। पहले लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रयागराज तक कल्याण लोको छोड़कर WAP-7 लोकोमोटिव इस ट्रेन को लेके आया था। अब प्रयागराज से गोरखपुर तक कानपुर लोको छोड़कर WAP-7 लोकोमोटिव इस ट्रेन को आगे तक लेके जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस स्टेशन पर अपनी इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स भी होता है।
यानी कि अपनी यह ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। प्रयाग जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 8:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 8:40 पर रवाना हो जाती है फाफामाऊ जंक्शन के लिए। फाफामाऊ जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 8:53 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 8:54 पर रवाना हो जाती है सरायचंडी स्टेशन के लिए। सरायचंडी स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 9:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 9:09 पर रवाना हो जाती है फूलपुर स्टेशन के लिए। फूलपुर स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 9:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 9:21 पर रवाना हो जाती है उग्रसेनपुर स्टेशन के लिए। उग्रसेनपुर स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 9:38 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 9:39 पर रवाना हो जाती है जंघई जंक्शन के लिए। जंघई जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 10:06 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:08 पर रवाना हो जाती है सराय कंसराय स्टेशन के लिए। सराय कंसराय स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:23 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 10:24 पर रवाना हो जाती है सूर्यावा स्टेशन के लिए। सूर्यावा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:34 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 10:35 पर रवाना हो जाती है मोड स्टेशन के लिए। मोड स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:43 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 10:44 पर रवाना हो जाती है भदोही स्टेशन के लिए। भदोही स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:57 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 10:58 पर रवाना हो जाती है परसीपुर स्टेशन के लिए। परसीपुर स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 11:27 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 11:28 पर रवाना हो जाती है कपसेठी स्टेशन के लिए। कपसेठी स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 11:56 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 11:57 पर रवाना हो जाती है सेवापुरी स्टेशन के लिए। सेवापुरी स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 12:13 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 12:14 पर रवाना हो जाती है वाराणसी जंक्शन के लिए। वाराणसी जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 1 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 या फिर 4 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 1:10 पर रवाना हो जाती है वाराणसी सिटी के लिए। वाराणसी सिटी स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 1:30 पर रवाना हो जाती है वडिहार जंक्शन के लिए। वडिहार जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:56 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:58 पर रवाना हो जाती है सादात स्टेशन के लिए। सादात स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:16 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:18 पर रवाना हो जाती है जखनिया स्टेशन के लिए। जखनिया स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:30 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:32 पर रवाना हो जाती है दुल्हापुर स्टेशन के लिए। दुल्हापुर स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:43 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:45 पर रवाना हो जाती है मऊ जंक्शन के लिए। मऊ जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 3:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 3:25 पर रवाना हो जाती है इंदारा जंक्शन के लिए। इंदारा जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 3:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:37 पर रवाना हो जाती है बेलथरा रोड स्टेशन के लिए। बेलथरा रोड स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 4:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:10 पर रवाना हो जाती है लार रोड स्टेशन के लिए। लार रोड स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 4:24 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:26 पर रवाना हो जाती है सलेमपुर जंक्शन के लिए। सलेमपुर जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 4:37 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:39 पर रवाना हो जाती है भटनी जंक्शन के लिए। भटनी जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 4:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 5 बजे रवाना हो जाती है दियोरी सदर स्टेशन के लिए। दियोरी सदर स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 5:19 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:21 पर रवाना हो जाती है चौरी चौरा स्टेशन के लिए। चौरी चौरा स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 5:48 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:50 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 6:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। यह ट्रेन मुंबई से गोरखपुर तक तकरीबन 1707 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा दी जाती है, ऑनबोर्ड और ई कैटरिंग की भी सुविधा दी जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा,
वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।